नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति कुशवाहा। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मत करिए, डजंट मैटर। मैटर इज डैट कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मैं जिनका भी नाम लेता हूँ उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरी, ये हमारी बात नहीं है, ये आपकी बात है, ये हम सब की बात है, हम सब के दिल की बात है जो मैं आज कहने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, सभी के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवार के लिए एक मांग करना चाहता हूँ अपने देश से, और कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ अपने देश के उन महान नेताओं से, उन बड़े बड़े बिजनेसमैनों से जिन्होंने आज हमारे देश को खोखला कर डाला है, जिन्होंने हमारे देश से ही खाया है, और आज वो बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े सपने हमें दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की। दोस्तों, हमारे देश की आज इतनी मार्मिक स्थिति हो गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो कि बहुत दूरदर्शिता है, बहुत दूर की बातें सोचते हैं, बहुत मतलब कि आज से 10 साल 50 साल के बाद के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन वो 6 महीने के बारे में नहीं सोच पाए। आप सोचिएगा कि वो महज 6 महीने के बारे में नहीं सोच पाए कि हमारे देश में आने वाले समय में ये जो कोरोना काल आया है, उस कोरोना काल से आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है, थोड़ा सा क्या हम लोग, थोड़ी सी दिक्कतें क्या हुई, मतलब दिक्कतें आसान क्या हुई, कोरोना थोड़ा सा चला क्या गया, इनको पता था कि सेकेंड वेव आए कि उसके बावजूद इन्होंने 2-2 लाख लोगों की रैलियां करवाई बंगाल में। मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं करता, यदि इनके, चलिए आपने चुनाव रैली करवाई वो बात अलग है दोस्तों, यदि इतने ही सावधान ये थे, यदि इनको देश की इतनी चिंता थी, तो ये अपने देश में इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाया, जबकि इनको पता था, ये जब दूरदर्शित है तो इनके पास बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, साइंटिस्ट हैं, इतने ढेर सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, तो वो लोगों ने क्या इनको बताया नहीं, क्या इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी? दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, इनके पास पूरी जानकारी थी कि सेकेंड वेव आएगी और पूरा का पूरा देश खलबला जाएगा, लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठता, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों देश को एक मौत के कुएं में ढकेलते चले गए? मैं सिर्फ भाजपा पर प्रहार नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आखिर आज इतनी समय ट्विटर पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की ओर से ये आ रहा है कि सरकार को हाईकोर्ट की पड़ी मार, ये दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लीडर हैं अखिलेश यादव जी, आप युवा हैं हमारे देश के, आप कैसे कि युवा हैं, यदि आप ही इतना सामर्थ्य था आपके पास, अगर आप इतनी जानकारी थी, तो देखिए आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है कि आप भी ऑक्सीजन प्लांट लगवा सकते थे, क्षमता आप में बहुत है, लेकिन आपने क्यों नहीं लगवाया? यदि आप इतने ही समझदार थे, यदि जनता के लिए आप इतना ही, आपके अंदर हृदय में प्रेम था, तो आपने क्यों नहीं लगवाया आखिर प्लांट? आपको लगवाना चाहिए था, आपको नहीं लगता? दोस्तों, हमारे देश में बड़े बड़े इतने ढेर सारे लोगों में मौत हो रही है, और यहाँ पे बगल में हमारे आईपीएल चल रहा है, हमारे कई मित्र, हमने देखा कि उन लोग आईपीएल पे चर्चा कर रहे हैं ग्रुप में। दोस्तों, आईपीएल को छोड़ो, आप उन्हीं आईपीएल खेलने वालों से, विराट कोहली से, जो कि एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं 2-3 करोड़ रुपए मिलता है, इन सभी लोगों से बात क्यों नहीं करते आप, इन सभी ट्विटर पे आप बात क्यों नहीं करते, आप इनसे कहते क्यों नहीं है कि आप हमारे लिए ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा करवाएं? आज यहां पे सोशल मीडिया पे हर कोई युवा, हम लगे हैं, आप लगे हैं, ऐसे छोटे छोटे लोग जब आम नागरिक लोगों की प्रयास करके, लोगों की सामर्थ्य जुटा करके, लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, तो क्या हमारे देश के बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े राजनीतिक दल के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी जैसे, पूर्व हमारे जो इतनी समय राहुल गांधी जी हैं, क्या ये सेवा नहीं कर सकते? और जो लोग सत्ता में है तो उनकी तो बात करनी ही करनी है, वो कैसे नहीं कर रहे हैं? आपको सवाल उठाना पड़ेगा, सवाल उठाइए, इनसे लड़िए, सवाल उठाइए, जब तक सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये लोग आपको खोखला करते रहेंगे, ये आपको नहीं, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, आपके भविष्य को खोखला कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य को खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी से आपको सवाल उठाना चाहिए, यहां तक कि ये बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जिनके ऑनर बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाने की बात करते हैं, जैसे वेस्टिज है, AWPL है, मोदी केयर है, RCM है, ये आज बताते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, उतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, मैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, कहाँ है आपका नेटवर्क? यदि इतना बड़ा नेटवर्क है आपका, तो आज नेटवर्क को लगाइए, आज ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है, लगवाइए।
और ये जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यहाँ, जो क्या नाम से बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, बिजनेस बताते हैं, बिजनेस मॉड्यूल बताते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस मॉड्यूल को बारे में बात करते हैं। देश की जनता से बड़ा मॉड्यूल है क्या आपका बिजनेस? क्या आपको नहीं लगता कि देश की जनता होगी तब बिजनेस होगा? सर, आप सभी लोगों ने बहुत कुछ कमाया है, अपने लिए बहुत कुछ बना लिया है, देश के बारे में तो एक बार सोचिए। आप लोग बड़े बड़े राष्ट्रवादी बातें किया करते हैं, लेकिन क्या है आपके, मतलब कि आपके लोग चाहते क्या है कि सिर्फ बिजनेस करें? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बिजनेस हियर? अगर लोगों का फायदा नहीं हो रहा, लोग मर रहे हैं, ये त्राही त्राही हो रही है आज। सरकार को मतलब कि लोगों का आंकड़ा छुपाना पड़ रहा है, 3 लाख लोग दिखा रहे हैं, जबकि ये आंकड़ा जो जमीन पर बताता है, ये तो लिखित दस्तावेज है कि 3 लाख लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन जो 30 लाख लोगों का आंकड़ा है लगभग, जो जमीन पर है, लोग रोड पर लोगों की अस्थियां जलाई जा रही है, लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है, किस प्रकार से ये देश विश्व गुरु बनेगा? सोचिएगा एक बार। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अमित बनाना है, आशीष चंचलानी है, भाई अब तुम्हारे ये इसका समय नहीं है मेरे भाई। तुम वीडियो डाल रहे हो कि लोग देखें तुम्हारी वीडियोस, क्यों देखें भाई हम तुम्हारी वीडियोस? तुम जब देश का नहीं चाहते, देश का हित नहीं चाहते हो, तुमने कहीं ये डाला कि भाई लोगों की मदद की जाए? आप अमित बनाना जी अभी नई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप मतलब सोच रहे हैं कि 23 मिलियन व्यूज चले जाए? भाई लोग मर रहे हैं, लोगों के खून से आप अपने पैसा कमा के क्या करोगे, कहां रखोगे मेरे भाई? दिल आपका गवाही देता है? कहां है कैरी मिनाटी, इतने बड़े फैन फॉलोइंग से इनके, कहां है? युवा है ये देश के, और कौन कौन से बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, गेम वाले जितने भी हैं, क्यों नहीं आप लोग मदद करते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी वक्त नहीं गया है, लोग पूरे एक साथ एकजुट हो जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े ऑनर्स हैं, बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन, पूरे नेता, जितने भी लीडर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी एक पार्टी के लीडर हो, वो सभी लोग एक सके एकजुट हो जाए, एकजुट होकर के देश पर चर्चा करें और लाइव टेलीकास्ट करें। जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल है, देखो भाई तुम तो बिके हुए ही हो, मैं तो सीधा प्रहार करूंगा तुम्हारे ऊपर कि तुम तो बिके हुए हो। कोई न्यूज चैनल आज के समय में, कोई भी न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जो बिका ना हो, क्योंकि यदि वो बिका ना होता तो वो इतनी बढ़ाई ना करता, क्योंकि देश में कोई भी, देश में क्या, विदेश में कहीं पर भी कोई भी आदमी हर तरफ से सही नहीं हो सकता, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों अभी भी वक्त है, देश को बचाइए, आप सभी लोग प्रयास कीजिए, कोशिश ये कीजिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग सके। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरे के पूरे देश में सभी लोगों को एक मीटिंग बैठानी चाहिए, लाइव टेलीकास्ट उसका होना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सभी लोग को बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, ताकि वो एक हफ्ते के अंदर, मैं तो कहूंगा कि एक सप्ताह के अंदर, जब 2 दिन के अंदर चाइना इतने बड़े हॉस्पिटल बना सकता है, तो हमारे देश में ऑक्सीजन प्लांट भी लग सकते हैं। सप्ताह भर के अंदर पूरे ऑक्सीजन प्लांट लगवाइए, और जितने जल्दी करने का जो वादा करता है उसको दीजिए, जल्दी से प्लांट लगवाएं और लगवा करके तुरंत लोगों की ऑक्सीजन की नीड पूरी की जाए। जो पीछे हुआ वो था, हो गया, लेकिन अब आगे तो सही कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ भी सच्चाई है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने फायदे के लिए, अपने देश के फायदे के लिए इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।